लोगों की समझ में आ जाए कि नेचुरल चीज हमारे लिए ही बनी है, तो ऑटोमेटिक है कि वो उसकी तरफ दौड़ लगाएंगे। लेकिन अननेचुरल चीज की तरफ हमारा ध्यान एडवर्टाइजिंग ले जा रहा है, पिज्जा की तरफ, बर्गर की तरफ, बिरयानी की तरफ, कबाब की तरफ। आप अपने खाने पीने के सिस्टम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोने जागने पर आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो इन सारी बातों के पीछे आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लगे हुए। नाम साजन, ये साजन सेंटर है, साजन का जूस है, कॉर्नर है, और ये साजन के नाम से ही मशहूर है। तो कैसे सोचा आपने यहाँ पे हेल्दी जूस लगाने का? कैसे नहीं, ये तो बहुत दिनों से लग रही है, हमसे पहले भी 8 साल से पहले भी ये कंपनी लगाया करती थी, तो वो कुछ दूसरे तरीके के बना करके दिए करते थे, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो अलग, ये सिस्टमेटिक हमारे अलग है। और ये देखिए, मैंने इसमें जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते और ये करेला, ये तीन चीज इसमें इन्वेस्ट किए है, और ये तीनों चीजें इसमें डाल। पसंद की बातें नहीं, हर चीज पसंद पर नहीं है, यह बेनिफिट की बातें। लोगों की समझ में आ जाए कि नेचुरल चीज हमारे लिए ही बनी है, तो ऑटोमेटिक है कि वो उसकी तरफ दौड़ लगाएंगे। लेकिन अननेचुरल चीज की तरफ हमारा ध्यान एडवर्टाइजिंग ले जा रहा है, पिज्जा की तरफ, बर्गर की तरफ, बिरयानी की तरफ, कबाब की तरफ, तो हम बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ये देखिए, ये है कच्ची हल्दी, ये एंटीबायोटिक है दर्द का, ये है अदरक, ये है गिलोय, और ये है 1 ग्रास गेहूं के घास, और ये पुदीना, ये देखिए ये है एलोवेरा, ये शरीर के हर आंतरिक रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है एलोवेरा। अब तो हर चीज में इसको प्रोडक्ट किए जा रहे हैं बाबा रामदेव की दया से। और ये है घिया, और ये मैं डाल रहा हूँ आंवला। आंवला का तो कुछ कहना ही नहीं, ये गुणों के खान है, ये एक दो नहीं कई बीमारियों को ये अपने आप में समेटने की पूरी तरह क्षमता रखता है आंवला। ये है अश्वगंधा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बाबा रामदेव के द्वारा दिव्य से उतारा गया है पतंजलि प्रोडक्ट। अर्जुन की छाल, जी हाँ, अर्जुन की छाल हार्ट के लिए, दिल की बीमारी के लिए, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बातें हो, अर्जुन की छाल करती है कंट्रोल। और यह है चिरायता, चिरायता ब्लड इन्फेक्शन के लिए, खून की कोई भी खराबी हो उसे दूर करने में पूरी तरह सक्षम है चिरायता। सब्जेक्टली बनाया हूँ, और मेरा काम सब्जेक्टली यही है कि मैं आपके पेट को और खून को रिकवरी करूँ। अगर ये दोनों चीज सर्च हो जाता है, दोनों फ्रेश हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आप बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, कोई भी बीमारी आपका पीछा नहीं कर सकती। आप अपने खाने पीने के सिस्टम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोने जागने पर आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो इन सारी बातों के पीछे आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लगे हुए हैं। तो तत्काल व्यवस्था में हम ये सजग करते हैं, ये पानी पिलाते हैं और लोगों को। ओहो, ये मामूली 10 रुपया लेता हूँ नए आदमी को, और जब वो पुराने हो जाते हैं तो 20 रुपया ठग लेता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पानी पिला के ठगने का ही काम करता हूँ, असली बात है। और अगर कोई जांचे, कोई परखे, मैं कोई डिब्बा बंद काम नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्शन घर से बना के नहीं लाता हूँ, ये सारा कुछ मैं फ्रंट में करता हूँ, सामने करता हूँ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। बट ये पीने वाला अगर सजग रहे तो फिर परेशानी नहीं होती, और मेरे पियक्कड़ को तो परेशानी होती ही नहीं। हम क्यों आज हम शरीर स्वास्थ्य के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मन मेरा स्वस्थ हो इसके प्रति हमारा जरा भी अग्रसर भाव नहीं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो ऐसी जिंदगी नहीं। जिंदगी अपने लिए बेजोड़ है, व्यक्तिगत है, ना कि किसी से मिलाने का नकल। हम हमेशा नकलची हैं, हम ट्रू कॉपी बनते रहते हैं, फलाना कैसा होता है, चिलाना कैसा होता है, ये नहीं। और दिमाग की बातें तो और ना माने, अक्सर लोग दिमाग की बातें मानते हैं, इसीलिए बुद्धिजीवी होके पागल हो रहे हैं। दिल की बातें माने, अगर दिल की बातें आप मानते हैं तो आपका कोई भी काम असफल नहीं हो सकता है, और अगर आप दिल से कोई काम करते हैं तो वो फेल नहीं। एड्रेस लोकेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि लोकेशन देके मैं बहुत परेशानी में पड़ गया। मैं यहाँ अपने प्रेमियों से ही पागल हूँ, मेरे प्रेमी पहले से ही मेरे गले पड़े हैं,
अब लोकेशन देने के बाद लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो परेशानी मेरी बढ़ रही है। मैं अकेला अलर्ट नहीं कर पाता हूँ सबको, जितने प्रेम से जिस तरीके से देना चाहिए, हम धड़पड़ करके जल्दबाजी करके जो है हमारा काम, मुझे खुद ही मजा नहीं है, तो इसीलिए मैं लोकेशन आपको देना नहीं चाहता हूँ। वैसे ये कृष्णा नगर लाल को आकर, तो फाइनली कृष्णा नगर का फेमस जड़ी बूटी वाला जूस यहाँ पे लग चुका है। 10 रुपए का ग्लास है, देख सकते हो, मैंने छोटा ग्लास लगवाया है क्योंकि जो नए लोग हैं वो ज्यादा पी नहीं पाते, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए 20 रुपए का ग्लास रहता है जो थोड़ा बड़ा रहता है। और साथ में इन्होंने दिया है आंवला और बीटरूट, जो कि इन्होंने नमक लगा के दिया है। और ये जो ग्लास है एक बारी में पीना है और उसके बाद ये टेस्ट करना है। तो इनका जूस बहुत ज़्यादा कड़वा था, बट मुझे पता सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। तो 10 से 12 इन्होंने इसमें जड़ी बूटी डाली हुई है, तो काफ़ी बढ़िया जूस था। और साथ में जो उन्होंने आंवला और बीटरूट दिया था लास्ट में, उसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ गया। 6 बजे से 10:30 बजे मैं कोई छुट्टी नहीं करता, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। मैं 15 अगस्त की छुट्टी करता हूँ। तो अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो अंकल जी का साथ है कृष्णा नगर में, इसको जरूर ट्राई कीजिए। 10 और 20 रुपये ग्लास रहता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।